विभाज्यता का नियम हम देखेंगे, 2, 3, 4, 6, 0। तो देखिए इसके अंत में डबल जीरो होना चाहिए, ए वो जीरो नहीं होना चाहिए, डबल जीरो। आइए अंतिम का दो अंक, अंत का दो अंक जरूर कटना चाहिए, अंत वाला दो अंक कोनो कट जाएगा। अच्छा इसके अंत में डबल जीरो है, तो 4 से विभाज्य है कि नहीं है? यहां पे डबल जीरो नहीं लिखे हैं रे, जूता निकाल के चला देंगे मुंह में घुस जाएगा कुत्ता कहीं का सुअर। अरे क्या कर रहे हो तू, क्या लिखा है यहां पर, नियम क्या कह रहा है, पैसे वाला कि नहीं है, लगा ना आंखें पर जूता जूता मारेंगे, समझ में आ गया कि नहीं? अंत में क्या है? डबल जीरो हो गया, तो ये 4 से विभाज्य है। चलिए इन दोनों जीरो को मिटा दिए, और यहां पर 6 है, क्या है? 6 है, तो कह रहा है अंत का दो अंक जरूर कटना चाहिए, तो दो अंक यन है जी, तो 4 के पहाड़ से इसको भाग दीजिए, 4 के पहाड़ में 46 है, 4 के पहाड़ में देखिए तो 46 है कि नहीं, 4 एकम 4 कट गया, 6 है, 4 एकम 4, दूसरे से बच गया कि नहीं बच गया, तो क्या हो गया, 4 के पहाड़ से कटेगा है, ये 4 के पहाड़ से नहीं कटेगा, समझ में आ गया? इसको मिटा दिए, 4 के पहाड़ के लिए क्या जरूरी है, अंत में दो जीरो होना चाहिए, नहीं तो अंतिम का दो अंक 4 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। अगर ये होगा, अब ऐसे देखिए इसको, इसमें डबल जीरो है तो 4 से कट जाएगा, ये 22, अच्छा ये 7 है, अंत का दो अंक है, तो 97 में भाग देकर देख लीजिए 4 से कट रहा है कि नहीं, 4 दुनी 8, 1 और 7 4 चौका 16, 1, क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको जांच करके क्या कीजिएगा, आंसर बताइएगा।